किसी आले के आने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है सर, लेकिन एक वक्त आई सर, सीआईडी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इस आदमी को यहाँ बुलाया। ये ताकिया ही है ना। एसीबी साहब, हमारे कान अभी भी मजबूत है। दया, जो तुम हाथ हिला रहे हो ना, इससे हवा में एक लहर दौड़ती है जो कि मेरे कानों तक पहुंचती है। अच्छा, तेरे कानों को गर्म होने दे। सर आप कहें तो इसके चेहरे से कपड़ा हटा दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके हाथ ही बताएंगे ये टाकिया है या नहीं। ले चलो इसे। इसकी बेड़ियां उतारो। यहां पर एक सेफ है, खोल के दिखाओ। सर ये तो फेल हो गया, नहीं आता था। हाँ, बहुत चर्चे सुने तुम्हारे तो। ऐसे भी बर्दुमान, मैंने कहा था ना एक दिन तुमको मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। तुम आओगे एसीपी, मेरे पैरों में गिरोगे, मुझसे हाथ जोड़ोगे। देख लेना एसीपी, एक ना एक दिन तुम लोग को मेरे पैरों में आना ही पड़ेगा। मैं चोरी सही, लेकिन जो मुझे आता है वो दुनिया का कोई भी नहीं सीख सकता। तुम आओगे एसीपी, जरूर आओगे, आओगे तुम। नहीं, असली काम तो बाकी है, आप लोग जा सकते हैं। जी सर। चलो। अरे वाह, मेरी आंखें तरस गई थी मेरी महबूबा से मिलने के लिए। ऐसी बड़ी तिजोरियां ही तो मेरी प्रेमिका है। एसीपी साहब, आखिर ऐसी क्या कीमती चीज है इस तिजोरी में जो सीआईडी का भी ईमान डगमगा गया? वो भी तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, पहले खोलो। ओ आई सी, तो सरप्राइज है। जो भी माल हो अंदर, मेरा ऐसा क्या होगा? तुम ये तिजोरी खोल सकते हो या नहीं? एसीपी साहब, आपको तो पता है कि टाकिया के कला में अभी जंग नहीं लगी। दुनिया का ऐसा कोई भी ताला या तिजोरी नहीं बनी है जो टाकिया की गुलाम ना हो। मैंने पूछा क्या तुम ये तिजोरी खोल सकते हो या नहीं? लेकिन मेरा ऐसा क्या होगा? तुम्हारी सजा हम कम कर देंगे। सोच क्या रहे हो, चलो काम पे लग जाओ। एक चित्रकार कभी भी नहीं चाहेगा कि उसे चित्र बनाते हुए कोई देखे या उसकी अधूरी चित्र देखे। कोई भी संगीतकार नहीं चाहता कि उसके श्रोता उसके अधूरे आड़े टेढ़े धुने सुने। इसलिए ताकिया भी नहीं चाहता कि इतनी बड़ी तिजोरी खोलते हुए कोई उसे देखे। इसलिए तुम लोग बाहर जाओ, जैसे ही तिजोरी खुल जाएगी मैं बुला लूंगा। एक बात मत भूलना, हमारी नजर तुम पर है। मुझे पता नहीं था कि सीआईडी को अपनी काबिलियत पे इतना शक है कि मैं उनके होते हुए यहाँ से भाग जाऊंगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बकवास बंद करो और काम पे लग जा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट। एसीपी साहब, इस बड़ी तिजोरी को खोलने को सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे, बाकी 3 मिनट के लिए मैं जबकि भी ले लूंगा। हाँ।
सर, अगर इस ताकिया ने भागने की कोशिश की तो? भाग ही नहीं सकता वो दुष्यंत, अंदर बाहर जाने का रास्ता एक ही है। अरे ये डांस कर रहा है, हमें चिढ़ा रहा है क्या? दो मिनट दीजिए सर, इसका डांस मैं कोरियोग्राफ करता हूँ। अरे नहीं नहीं दया, अभी इस वक्त हमें उसकी जरूरत है। मगर सर, इस तिजोरी में ऐसा है क्या? ऐसा खतरनाक पदार्थ जो अगर किसी दुश्मन देश के हाथ में पड़ जाए ना, तो हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने ये तिजोरी पकड़ ली मुंबई में ही। बस अब पता लगाना है कि उस तिजोरी में जो खतरनाक पदार्थ है वो है क्या। सर, अरे इस लंगूर ने तो कैमरा तोड़ दिया। दरवाजा खोलो जल्दी। सर, दरवाजा नहीं खुल रहा है। तुमने सही पासवर्ड डाला था, दोबारा करो। सर, मैंने पासवर्ड तो बराबर डाला मगर खुल नहीं रहा सर दरवाजा। जरा कुछ देखो सर, ये दरवाजा जाम हो गया। फिर से ट्राई करो। सर, दरवाजा खुल गया। ताकिया, ताकिया खोलो। सर, ये तो मर गया। मर गया कैसे? या इस वॉल्ट के अंदर और भी तो कोई नहीं था? सर, हो सकता है इसने अपनी जान खुद दे दी हो। कैसे हो सकता है निखिल? इसके पास ना कोई हथियार था ना और कुछ। सर, इस कमरे में ना कोई खिड़की है ना दरवाजा, कोई बाहर का आदमी अंदर आ भी नहीं सकता। वही तो। सर, ये टूटा हुआ कैमरा, ये भी खाली है, इसमें भी कुछ नहीं। और ये तिजोरी, ये भी तो खाली है, इसके अंदर ये जो जार है इसमें भी कुछ नहीं है। सर, शायद तिजोरी में ये खाली ग्लास जा रही हो। ऐसे नहीं हो सकता दुष्यंत, इंटेलिजेंस वालों की इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। जरूर कुछ ना कुछ तो था उस जार में। हाँ सर, शायद वो विनाशकारी चीज होगी इसके अंदर। सर, हो सकता है इस ग्लास जार के अंदर जहर हो, और जैसे इसने ढक्कन खोला वो जहर हवा में फैल गया और उसी की वजह से इस टाकिया की मौत हो गई। यार, इस वॉल्ट में ना कोई खिड़की है ना दरवाजा है, तो अगर कोई जहरीला गैस होता तो वो अभी भी होता ना इस वॉल्ट के अंदर। नहीं दया, मुझे तो लगता है ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और है। दुष्यंत, इसकी बॉडी को जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक लैब ले जाओ। सर, लगता है इस टाकिया को अचानक दिल का दौरा पड़ा होगा जिससे इसकी अचानक मौत हो गई, और कोई वजह समझ में आ नहीं रही है। एक अच्छे भले इंसान को इस तरह हार्ट अटैक आ जाना, वो भी ठीक उस वक्त जब वो सीआईडी के लिए काम कर रहा था, और फिर शायद कैमरा तोड़कर वो सीआईडी को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। पिछले हफ्ते केस हुआ था ना जिसमें वो मुजरिम लोगों को हार्ट अटैक का इंजेक्शन दे रहा था जिसकी वजह से कुछ समय के बाद उनकी मौत हो जा रही थी, शायद कुछ। मगर उस केस में काम एक डॉक्टर ने किया था, और यहाँ ताकिया के अलावा कमरे में कोई नहीं था। इस ताकिया की मौत की पहेली काफी उलझी हुई है। पूरा वॉल्ट खाली है और इस सेफ के अंदर भी कुछ नहीं, और फिर इस जार के अंदर वो जो खतरनाक केमिकल था वो भी गायब है। सर, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया? कैसे कोई चुराएगा पंकज, इस वॉल्ट के अंदर आने का एक ही रास्ता है और बाहर जाने का भी वही रास्ता है, और वो ये जिस दरवाजे से हम अंदर यहाँ आए। सर, कोई खुफिया रास्ता होगा। सर, मैं ढूंढता सर। इस वॉल्ट के कमरे में कोई और खुफिया रास्ता तो दिख नहीं रहा। भले कोई रास्ता ना हो, कोई दरवाजा ना हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो दया ये खतरनाक केमिकल किसने चुराया है। सर, सर हो सकता है कि ये वॉल्ट खाली हो और उस जार में कोई केमिकल हो ही नहीं। पंकज, ये हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी इंचार्ज महेश की इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है। एक काम करो, महेश को फोन करो, बुला लो उसे। जाओ। सॉरी सर, मुझे आने में देर तो नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, चलो फटाफट चेक करो, देखो उस जार के अंदर क्या है। सर, उसका फोन बंद आ रहा है।
उसके घर पे फोन करके देखो, नहीं तो फिर ऑफिस में फोन करो। सर दोनों जगह ट्राई किया सर, मगर किसी को भी उसका पता नहीं मालूम है। सर कहीं इस विनाशकारी चीज के गायब होने में महेश का हाथ तो नहीं? हो सकता है। दया मतलब एम्बुलेंस में बॉम्ब था। आदुष्यंत सर, सर एक बुरी खबर है सर, जिस एम्बुलेंस में ताकिया की लाश ले जा रहे थे वो ब्लास्ट हो गई है। क्या काम करो, सारंगी को बुला लो वहां पर। सर क्या हुआ सर? दया ताकिया की लाश को जिस एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे उस एम्बुलेंस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सर ये तो कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है सर, पहले टाकिया का खून, फिर ये विनाशकारी चीज का गायब होना और अब एम्बुलेंस में बम ब्लास्ट। भाई तो हाँ डॉक्टर वैभव। यस सर। कुछ मिला, कुछ पता चला, क्या है? नहीं सर अभी तक तो कुछ भी नहीं। ठीक है, कोशिश करते रहना। दे सर हम महेश का पता लगाते हैं। ओके सर। प्लीज आप लोग पीछे रहिए, फोन अंदर रखिए प्लीज। हाँ सर, सालों के सर आ गए, लाश के टुकड़े और एम्बुलेंस के पुर्जों को चेक कर रहे हैं। सर जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको कॉल करता हूँ। सर कुछ पता चला डॉक्टर साहब? नहीं दुष्यंत अभी तो नहीं, दरअसल ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है कि सारी लाशें तहस नहस हो गई हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें फॉरेंसिक लैब में ले जा करके। पर हमें ताकिया की मौत की वजह तो पता चल जाएगी ना? चालू क्या हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। डोंट वरी, कुछ ना कुछ बता ही दूंगा मैं। आपको तो मालूम है सर कि ये केस हमारी देश की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है। अब तक तो हमें ये भी नहीं पता चल पाया है कि वर्ल्ड के ग्लास जार में आखिर था क्या। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ दुष्यंत, लेकिन डोंट वरी, CID ने पहले भी ऐसी कई पेचीदी लड़ाइयां जीती हैं और इस बार भी जीत CID की होगी। डोंट वरी, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। हेलो प्रद्युमन जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल फिट। बहुत सुना था सर आपके बारे में, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। वैसे आपके बारे में भी बहुत कुछ सुना है हमने। उम्मीद करता हूँ अच्छी बातें ही सुनी होंगी। बिल्कुल, तारीफ ही सुनी है आपके बारे में। धन्यवाद सर। वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपका एक ऑफिसर महेश जी, उससे हमें कुछ जानकारी मिली थी, खुफिया जानकारी। अब हम महेश से कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन कॉन्टेक्ट हो नहीं पा रहा है, इसलिए सोचा ऑफिस में ही आकर मिल लें उससे। तो प्लीज जरा महेश को बुला सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जरा महेश को बुलाओ। सर मैंने दोपहर को उसे ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा था, वो पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था। पार्किंग लॉट की तरफ? क्या अकेले ही था या साथ में और भी कोई था? सर अकेला ही था, मगर बहुत जल्दी में था और फोन पे किसी से बात कर रहा था। जल्दी में था और किसी से फोन पर बातें कर रहा था। हमें महेश के फोन रिकॉर्ड चाहिए। जी। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, कहाँ खोए हुए हैं? दांतों के एक्सरे में खोया हूँ। दांतों के एक्सरे? यानी सर मौत की वजह दांतों में छिपी हुई है? नहीं नहीं श्रेया, मौत की वजह तो इन दांतों के एक्सरे में नहीं छिपी हुई है, लेकिन ब्लास्ट क्यों हुआ इसकी वजह जरूर इन दांतों के एक्सरे में छिपी हुई है। मतलब मैं बताता हूँ, ये देखो ये एक्सरे ताकिया के दांतों का है ओरिजिनल, और ये एक्सरे उन लोगों का है जिनकी मौत एम्बुलेंस के ब्लास्ट में हुई थी। सर ताकिया की लाश एम्बुलेंस में थी ना? एक मिनट, यही पेंच है, एम्बुलेंस में ताकिया की लाश थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है। अरे सर आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? मैं समझाता हूँ। देखो भाई, ताकिया के मुंह में पूरे के पूरे 32 दांत थे इंटैक्ट, और इस ब्लास्ट में जिन लोगों की मौत हुई है उसके किसी के भी मुंह में 32 दांत नहीं थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब एम्बुलेंस में ब्लास्ट हुआ ताकिया की लाश उसमें नहीं थी? ना सर, ये कैसे हो सकता है? वॉल्ट रूम में से ताकिया की लाश एम्बुलेंस में डाली गई थी, लेकिन जब एम्बुलेंस में ब्लास्ट हुआ ताकिया की लाश एम्बुलेंस में नहीं थी। मतलब बीच रास्ते में ही कुछ हुआ है, चलती हुई एम्बुलेंस में से सड़क के बीचों बीच
टाकिया की लाश बदल दी गई। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, यही हुआ है। एक मिनट, ये देखो, ये है वो डिवाइस जिससे जानबूझकर एम्बुलेंस में ब्लास्ट किया गया ताकि मुजरिम सीआईडी की आंखों में धूल झोंक सके। सवाल ये उठता है कि वो टाकिया की लाश को लेकर गया कहां? सर, मुझे तो लगता है मुजरिम ने टाकिया की लाश को इसलिए गायब कर दिया ताकि हम उस तक पहुंच ना सके। इतना बड़ा रिस्क लेकर भी तो वो पकड़े जाने का खतरा उठा ही रहा था, कुछ और ही चक्कर है सर। या फिर ये हो सकता है कि इस सब का कनेक्शन उस विनाशकारी केमिकल से है जो वॉल्ट से गायब हो गया था। ये हो सकता है श्रेया, और मुझे तो लगता है कि वॉल्ट रूम में टाकिया का अचानक मरना इसका भी कोई संबंध है। सर एक और सवाल, एम्बुलेंस में टाकिया की लाश को जिस लाश के साथ बदल दिया गया था वो किसकी थी? बहुत सारे सवाल हैं इस केस में। लाश किससे बदल दी गई, कब बदली और कहां? चलती एम्बुलेंस में लाश बदलना कोई छोटी बात तो है नहीं। सर सही महेश के कॉल रिकॉर्ड। अरे आखिरी कॉल महेश ने बलवंत को किया, बलवंत जो खुद ताला खोलने में माहिर है, और उसने हमें बोला ताला खुलवाने के लिए टाकिया को बुलवाए। चक्कर क्या है? महेश ने बलवंत का नाम लिया, बलवंत ने टाकिया का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हो क्या गया इसको? रेडी? क्या बात है, इतने उदास क्यों? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, तो फिर बात क्या है? एक सीआईडी ऑफिसर को चुस्त और फुर्तीला होना चाहिए। हैं? घर में सीआईडी की नहीं चलती सर। घर में कुछ हुआ है? अरे रो क्यों रहे हो? हो क्या गया भाई? मत पूछो सर। अरे नहीं, फिर भी बताओ तो सही। मारा। आई। मारा? किसने? 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 भाभी जी ने? भाभी जी ने मारा? चोट दिखाई तो दे नहीं रही है। चोट अंदर है। ओ, अंदरूनी चोट है, पीछे से मारा। अरे यार रेडी, शादी के कुछ फायदे हैं, उनमें से एक ये भी है, जिसने खाए वो भी खुश और जिसने नहीं खाए वो भी खुश। उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। मैं भाभी जी से बात करता हूँ। अरे नहीं सर, आप रहने दो। चलो चलो वैभव, जल्दी करो, कुछ बताओ हमें, कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। सॉरी सर, मुझे लगता है मैं सालू के सर के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी भाषा है वैभव, हताश होने वाली भाषा। वैभव फोरेंसिक के काम में वक्त तो लगता है, बस कोशिश करो और हमें जल्दी से जल्दी बताओ कि टाकिया की मौत इस कमरे में हुई तो हुई कैसे। जल्दी बताओ, कोशिश करो। कोशिश तो कर रहा हूँ सर। हाँ जल्दी। सर इस बम धमाके में एक बात तो साफ है सर, कि इस पूरे मामले में कोई ना कोई विनाशकारी चीज शामिल जरूर थी, वरना कोई ऐसे वॉल्ट में ये ग्लास जार खाली क्यों रखेगा। एग्जैक्टली दया, एग्जैक्टली। और ये सब किया गया हमें गुमराह करने के लिए। एम्बुलेंस के बॉम्ब ब्लास्ट में टाकिया की लाश का नष्ट होना, ये तो हमें गुमराह करने के लिए ही था, क्योंकि असली टाकिया की लाश इन्होंने गायब कर दी। मतलब टाकिया की बॉडी हथियाना मुजरिम के लिए बहुत जरूरी था, वरना वो इतना खतरा क्यों मोल लेता सर। एग्जैक्टली, पहले टाकिया की मौत, फिर महेश का गायब होना, और फिर टाकिया की लाश की अदला बदली होना। बहुत बड़ा प्लान ही है सर, हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द इस प्लान की जड़ तक पहुंचना होगा, वरना ये मुजरिम अपने गंदे मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। अगर हमने उन्हें कामयाब होने दिया तब ना, जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे हम। जरूर इसी रास्ते के किसी हिस्से में लाश बदली गई थी, मगर वो एम्बुलेंस हमारे सामने ही थी हर समय, फिर लाश बदली कैसे गई? ये सब ठीक उस वक्त हुआ होगा जब गाड़ी थोड़ी देर के लिए सिग्नल पर रुकी थी,
बाकी समय तो रुकी नहीं गई, मतलब इस सिग्नल पे जो भी कुछ हुआ है इसी सिग्नल पे हुआ है, मगर क्या? वो एम्बुलेंस यहां पे खड़ी थी, शायद इसी गटर से, एम्बुलेंस इसी गटर के ऊपर खड़ी थी और हमारी गाड़ी वहां खड़ी थी जहां तुम खड़े हो। इसका मतलब वो ताकिया को यहां से लेके गए होंगे। पता करो ये गटर कहां पे खुलता है। मतलब लोग ताकिया की लाश को यहां से लेकर गए और ताकिया की लाश को निकाला होगा वहां पे जहां पे ये गटर खुलता है। एग्जैक्टली। इसका मतलब किसी न किसी ने जरूर देखा होगा लाश को गटर से ले जाते हुए। लेट्स गो। बलवंत, बलवंत सर, लगता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच देखने गया है। पंकज, फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब का खत्म हो चुका है, कहाँ हो तुम? तो हाईलाइट देखने गया होगा सर। ये जो फुटबॉल का भूत है ना तुम्हारे सर, उसे उतार लो और काम करो। उतार क्या भूत? पंकज, ये महेश ने आखिरी फोन बलवंत को किया था ना? हाँ सर। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों 9-2-11 हो गए हैं साथ में। सर मुझे तो लगता है महेश हमें बेवकूफ बना रहा है, उसने जानबूझ करके ताकिया से ताला खुलवाया ताकि वो उसे मार सके और अपने साथ ले जा सके। क्या बात है पंकज, जब तुम स्मार्ट बातें करते हो ना तो अच्छे लगते हो। पंकज, अब सोचना यह है कि इस महेश ने जब ताकिया से ताला खुलवा ही लिया था तो फिर इसने बलवंत को क्यों बुलाया? क्योंकि ताकिया हर तरह के ताले खोल लेता है। लगता अभी भी कोई ऐसा ताला है जो खोलना बाकी है। क्या हो सर? देख, खून इस कबर्ड में से आ रहा है। खून संभाल के, ये तो बलवंत है। हाँ, ये तो मर चुका, उन्हें बड़ा शातिर निकला, खून ने इसे भी मार दिया। पर हम समझ रहे थे कि बलवंत भाग गया। ये देखो, उसके चेहरे पे, हाथ पे और पूरे शरीर पे घाव ही घाव है। इसका मतलब खूनी और इसके बीच काफी हाथापाई हुई है। सर, महेश ने ही बलवंत को मारा है सर। सर, उसे पता चल गया होगा कि हमें उस खतरनाक केमिकल के बारे में बता देगा, इसलिए उसने इसे मार दिया सर। ये महेश ज्यादा देर तक सीआईडी से छिप के नहीं बैठ सकता। इतने जल्दी हथियार डाल दिए? सॉरी सर, आज मैं पूरी तरह फेल हो गया सर। ना तो मैं वो केमिकल ढूंढ पाया, ना ही वो चीज जिससे ताकिया की मौत हुई थी। सर मुझे लगता है कि मैं फॉरेंसिक डॉक्टर बनने लायक ही नहीं। अरे अब वैभव, देखो वैभव, फॉरेंसिक साइंस का पहला सबक, पहली चाहे कितनी भी उलझी हुई हो हार मत मानो, लगे रहो और फिर देखना नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा होगा। सुन के, उस यार के अंदर क्या था जरा पता लगा के बता दे। बिल्कुल। वैभव, तुमने इसका इस्तेमाल किया था? यस सर, किया था। कोई बात नहीं, अगर इससे कुछ पता नहीं चला तो वैभव हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखो बस, जार पे तो नीले धब्बे आ गए। और ये नीला रंग हमें ये बताता है बॉस कि इस जार के अंदर जरूर कोई ना कोई जहरीला पदार्थ था। यूर जीनियस सर, इस काम को तो मैं 2 घंटे से करने में लगा था, आपने 2 मिनट में कर दिया। अब सारुंखे क्या ये बता सकता है कि इस जार के अंदर जो कुछ भी जहरीला पदार्थ था क्या उसी से टाकिया की मौत हुई? बस ये मैं पक्का नहीं बता सकता हूँ अभी यार सारुंखे। तो फिर तेरा सर, मुझे नहीं लगता सालुंके साहब
टाकिया की मौत की गुत्थी सुलझा पाएंगे। हेलो, किसने कहा मैं गुत्थी नहीं सुलझा सकता हूँ? आज तक कोई गुत्थी ऐसी है जिसे सालुके ने नहीं सुलझाया हो? अरे यार, जरा इस जार को फॉरेंसिक लैब में ले जाने दो, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करने दो बॉस, फिर देखना कैसे गुत्थियां सुलझती हैं बॉस। बस बस यहीं रोक दीजिए। ये रहा उस गटर का आखिरी कोना। कैसे हैं अंजन जी? अच्छा, ये रहा। ठीक तरह से पता लगाया ना? सर, इस गार्डन में बचपन बीता है क्रिकेट खेल के, इस एरिया को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी लगता है तुम यहाँ काफी लोगों को जानते हो। हाँ सर, ये ना अपने चाय वाले घनश्याम जी, मैं बुला के लाता हूँ। और घनश्याम जी कैसे हैं? और धंधा पानी ठीक चल रहा है? हाँ बहुत अच्छा। और निखिल बाबू आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप दिखाई देते हैं आजकल। आपको तो पता है घनश्याम जी, जब से CID ऑफिसर बना हूँ समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ वो तो है, मैं तो आपके बारे में दोस्तों रिश्तेदारों से बहुत गर्व से बात करता हूँ। बहुत अच्छी बात है घनश्याम जी। घनश्याम जी एक छोटा सा काम था आपसे। बताइए। आइए इंजाम जी, ये CID ऑफिसर दुष्यंत हैं और ये विक्रम। नमस्ते, मैं चाय बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, हमें आपसे बस कुछ सवाल पूछने थे। जी मुझसे? ये इंजाम जी बस ये बताइए कि आज 12:30 के बीच में आपने कुछ लोगों को यहाँ इस गटर से निकलते हुए देखा था। इस गटर से? हाँ इंजाम जी। इंजाम जी याद करके बताइए, शायद उनके पास कोई बड़ा सा बक्सा हो या कोई बड़ी सी बोरी लगभग इस लंबाई की। हाँ निखिल बाबू, BMC के कुछ ऑफिसर इस गटर की सफाई कर रहे थे तो उनके पास एक बोरी थी। एक बोरी थी? हाँ शायद कचरा होगा। कचरे की नहीं, किसी और चीज की बोरी थी। चलिए ये बताइए कि आपको कैसे पता कि वो लोग म्युनिसिपैलिटी के थे? उनके कपड़ों से। यूनिफॉर्म पहन रखा था उन्होंने? हाँ साहब। म्युनिसिपैलिटी ऑफिस से पता करना होगा कि उस वक्त ड्यूटी पर यहाँ कौन था। गंजाम थैंक यू। चाय तो पी के जाइए। नहीं फिर कभी। शुक्रिया गंजाम जी। नहीं यार, मैंने बोला मैं फ्री नहीं हूँ यार। नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। अरे मैंने डांस वांस करना छोड़ दिया है। हाँ नहीं आ सकता मैं, सॉरी। चलो के बाय। नहीं सर, जुकाम है क्या? घर पे झगड़ा हुआ? मार पड़ी? बुरा लगता होगा ना बार बार कबूलने में के मार पड़ती है। कबूल करने की बात छोड़ो, ये तुम्हारी भाभी को अचानक हो क्या गया है पंकज? क्या हो रहा है भैया? पंकज यहाँ डांस कर रहा है, रेडी यहाँ रो रहा है। पंकज डांस कर रहा है? हाँ सर, हम आए तब ये डांस ही कर रहा था। अरे तू रो रहा था ना? हाँ सर। पंकज रो रहा था? क्यों क्यों रो रहा था भाई? सर आज फिर फ्रेडी सर। आज फिर से? यार ये हो क्या रहा है? ये CID ऑफिसर घर में पिट रहे हैं। सर सारे CID ऑफिसर्स नहीं, सिर्फ फ्रेडी सर। नहीं 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 नहीं, बाहर किसी को पता चलेगा तो CID की नाक कट जाएगी। रेडी, तूने किसी को बताया तो नहीं? अरे सर ये भी कोई बताने की बात है? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल बताने की बात नहीं है, बताना भी मत। ए, कान खोल कर सुन लो सब लोग, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि फ्रेडी सर की रोज घर में पिटाई होती है। अरे बहादुरी के मेडल जीते इन्होंने, मजाक बात है, है? लेकिन इस तरह की बातों से तो यार फ्रेडी, यार कुछ भी करो यार, हाथ जोड़ लो। मैं तो कहता हूं पांव पकड़ लो भाभी जी के, ये बात रफा दफा कर दो यार। रोज रोज पिटाई से आदमी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हाँ Oh, my God.
डॉक्टर साहब, हो गई खातिरदारी जार की, कुछ बताया इसने? अरे अभिजीत, अभी जो मैं करने वाला हूँ ना, उसे देख करके तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा कि सालू के पास हर चीज का तोड़ है बॉस। सर सर प्लीज बताइए ना। देखो ये जो जार हमें वॉल्ट रूम में से मिला था, इस जार को मैं इस मशीन में रख रहा हूँ। इस मशीन में प्रोसेस होके ये जार पिघलने लगेगा और जो भी जहरीला पदार्थ इस जार में अगर होगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। हमारा शक एकदम सही था, इस जार में वाकई बहुत जहरीला पदार्थ था। कौन सा? इस जार में बायो वॉरफेयर केमिकल था। बायो वॉरफेयर केमिकल? तो फिर इस जार से गायब कैसे हो गया? शायद जार से निकल के हवा में घुल गया होगा। नहीं फ्रेडी, एवोपरेट नहीं हो सकता है। अगर ये जहरीला पदार्थ हवा में घुल गया होता तो जो मौजूद थे हमारे ऑफिसर वहां पर, उन पर भी असर होता, क्योंकि ये पदार्थ बहुत ही जहरीला है, जानलेवा है। लेकिन वहां टाकिया के अलावा तो कोई था नहीं, और जब हम अंदर पहुंचे तो टाकिया मरा पड़ा था, जार में से केमिकल गायब। कहीं ये केमिकल टाकिया की बॉडी में तो नहीं, पी तो नहीं लिया उसने? शायद दूध समझ के पी गया होगा। अभिजीत ये हो सकता है, ये पदार्थ दूध जैसा ही दिखता है, उसने दूध समझा और पी गया। आज सालू के साथ मैंने तो ऐसी तुक्का मारा था। नहीं नहीं, लेकिन तुम्हारा तुक्का इस बार बिल्कुल ठीक बैठा है फ्रेडी। अब समझ में आया एम्बुलेंस से टाकिया की लाश क्यों गायब की गई, ताकि उसके शरीर से ये केमिकल दोबारा निकाला जा सके। रोकना होगा अभिजीत, इन लोगों को तुरंत रोकना होगा। अगर इस पदार्थ का इन्होंने दोबारा से इस्तेमाल किया तो देश में कहीं भी तबाही मच सकती है। बस टाकिया, 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 तू आजाद होना चाहता था ना? देख मैंने तुझे आजाद कर दी, और ऐसी आजादी दी जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर दे। ताकि ये तेरा खून नहीं, ये मेरी तिजोरी की कुंजी है। जैसे जैसे ये खून की बूंद 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 करके इस टंकी में भरती जाएगी, वैसे वैसे मेरे आने वाली दौलत भी बढ़ती जाएगी। पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा चाहिए मुझे। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुजरिम होगा जिसे CID को चकमा दिया, लेकिन मैंने तो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। क्योंकि ना तो सिर्फ मैंने CID को चकमा दिया, बल्कि उनसे अपना काम भी करवा लिया। तुम लोगों की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जानते हो श्याम नगर में नाला 2 महीनों से साफ नहीं हुआ है, कब साफ करोगे? मलेरिया और डेंगू के मच्छर पनप रहे। गलती हो गई साहब जी, मैं आज ही जाकर वहाँ मलेरिया के मच्छरों की दवाई छिड़क देता हूँ और साफ सफाई कर देता हूँ। साफ हो जाना चाहिए। जी साहब। ठीक है, जाइए। मलेरिया वाले मच्छरों को तो दवाई छिड़क कर खत्म कर लेंगे आप लोग, लेकिन जो मच्छर आपके डिपार्टमेंट में है उन्हें कौन सी दवाई से खत्म करेंगे आप लोग? हम लोग CID से, कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। CID? कोई गलती हो गई क्या? वो भी अभी पता चल जाएगा। पहले जरा आप ये बताइए कि आज दोपहर GS रोड के गटर की सफाई करने आपका कौन सा वक्त गया था? एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। हरीश की ड्यूटी थी वहां पर सर। बुलाइए हरीश को। जी हरीश, हरीश। जी साहब। ये CID ऑफिसर्स हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन ये CID मुझसे क्यों मिलना चाहती है? ये आपके साहब नहीं, हम बताएंगे कि हम तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं। और हरीश, कैसी रही आज JS रोड के गटर की सफाई? नाले में कचरे के अलावा कुछ और तो नहीं मिला? साहब एक मिनट के लिए इधर आएंगे। बोल। साहब बड़े साहब को मत बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तुझे अपनी नौकरी की फिक्र है, जो काम तूने किया उसके बाद तेरी आगे की जिंदगी जेल में कटेगी, समझा? साहब एक दिन ड्यूटी नहीं गया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, जो आप लोग जेल भेज देना चाहते हैं? क्या तुम वहाँ ड्यूटी पे नहीं गए थे? नहीं साहब, इसलिए तो आप लोग डांट रहे हैं ना मुझे। अगर तू ड्यूटी पे नहीं गया था तो वहाँ सफाई किसने की? मेरा एक दोस्त है बबलू,
मैंने अपनी जगह बबलू को भेज दिया था काम पर। क्यों? वो कल रात को शराब ज्यादा हो गई थी, इसके लिए सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने बबलू को भेज दिया था काम पर। छोड़ दे पीना, और ये बता कि ये बबलू कहाँ मिलेगा? उसी देसी शराब के ठेके पर। देसी शराब का ठेका? लीला, अरे लीला, लीला क्या हाल बना दिया तूने मेरा। अरे भाई सुन, ये बबलू कहाँ मिलेगा? सर आप लोगों के दोस्त हैं? अरे हम तो सबके दोस्त हैं, ये बबलू है कहाँ? सर वो गुलाबी शर्ट वाला। अरे अरे पहचान गया मैं, आप सब लोग को पहचान गया मैं। पहचान गए तो चलो ससुराल चले। सच्ची? आप लोग मेरे को ससुराल ले जाने वास्ते आए? इससे अच्छी कोई बात तो हो ही नहीं सकती। आप सब लोग लीला के भाई है ना? लीला के भाई? अरे वाह यार, क्या पहचाना आपने है? अरे तो फिर खड़े क्यों भाई लोग? बैठो बैठो बैठो। लीला के भाई तो है हम लोग। वो लीला का और अपुन का शादी का बात करने का वास्ते। अपुन बहुत अच्छा दामाद है साले साहब। अपुन दहेज में एक रुपया नहीं लेगा। तुम अपना बहन को सिर्फ दो जोड़ी साड़ी में विदा कर दो अपुन का साथ। वाह, बड़ा अच्छा लगा जान के कि आप दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। लेकिन ये जो तुम्हारी बाकी की बुरी आदतें हैं उनका क्या? बुरी आदत? अरे मुझमें कौन सी बुरी आदत है साले साहब? मैं तो दुनिया का सबसे सुशील, नेक और होनहार दामाद है। सर ये नहीं बोल रहा है, इसकी शराब बोल रही है। ये शराब तो मैं आपकी बहन लीला के हाथ में पीता हूँ साले साहब। मगर लाशें भी तो गायब करते हो, अब हम किसी ऐसे अपराधी से अपनी बहन की शादी नहीं करा सकते। लाशें? अरे भाई मैंने भला कौन सी लाश गायब करी है? झूठ मत बोल, सब मालूम है हमको। वो जेएस रोड पे एम्बुलेंस जा रही थी, उसमें से लाश की अदला बदली की थी ना तुमने, हैं? अरे वो साले साहब, वो तो थोड़ा पैसा कमाने का वास्ते किया था। वो क्या ना आपका बहन लीला का साड़ी, जेवर, मेकअप का सामान, उसको खुश करने के वास्ते ये सब किया मैंने साले साहब। लेकिन जीजा जी, आपको ये कैसे पता चला कि एम्बुलेंस ठीक उसी जगह पर रुकने वाली है, ठीक उसी गटर पे? साले साहब देखो, ये बहुत गलत बात है। मैंने आपसे पूछा कि आप कितना कमाते हो, कहाँ काम करते हो, नहीं ना? तो फिर मेरे से इतना सब सवाल काय को? अरे तो इसमें क्या बात है, हम बता देते हैं हम कितना कमाते हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, हैं? हम जो हैं यहाँ काम करते हैं। CID? मैं कहाँ हूँ? वही CID के पास। बेहोश हो गए थे आप? बहुत बड़ा धोखा किया साहब आप लोग मेरे साथ। आप लोग को पहले बताने मांगता था ना कि आप लोग CID का अफसर लोग हैं, लीला का भाई ने। चुप, बकवास बंद कर। ये बता, तुझे कैसे पता था कि एम्बुलेंस वहीं पे रुकने वाली है? एक आदमी था जो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर का दोस्त था साहब, वही मेरे को बोला था साहब, और वही ये सब काम करने के वास्ते अपन को पैसा दिया था साहब। कौन है वो आदमी? मेरे को नहीं मालूम साहब, वो आज तक अपन के सामने नहीं आया कभी। तो फिर पैसे कैसे दिए उसने तुझे? अब वो मेरे घर के सामने रख के गया था एक चिट्ठी के साथ, फिर उसके बाद वो कभी भी किसी न किसी तरह से अपन का पास संदेशा भिजवाता रहता था साहब। और वो लाश? वो लाश किसकी थी जिसे तूने टाकिया की लाश के साथ बदला था? मेरे को नहीं मालूम साहब, वही आदमी मेरे को वो तिलक नगर का मुर्दा घर जाने को बोला था साहब, बहुत पहले से ही लाश का बंदोबस्त सब किया हुआ था साहब। तिलक नगर का मुर्दा घर? अटेंडेंट कौन है यहाँ पे? मैं हूँ साहब, बताइए। CID। CID? अच्छा, आप किसी मुजरिम की लाश रखवाने आए हैं? नहीं, हमें उस जिंदा मुजरिम का नाम और पता चाहिए जिसको तूने यहाँ से एक लाश बेची है। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं किसी मुजरिम की मदद क्यों करूंगा? देख, बहुत हो गया शराफत का ढोंग,
अब इससे पहले कि इनका माथा ठनके और ये अपना सारा गुस्सा तेरे गाल पर उतार दे, प्यार से पूछ रहे बता दे। यादाश्त कमजोर है तेरी, है? अगर हमने याद दिलाया ना तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाएगा। किसको बेची लाश? मैंने नहीं दी साहब, वो यहाँ काम करने वाले वार्ड बॉय राजू ने दी थी। उसने कुछ पैसे भी दिए थे ताकि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। साहब कौन है ये राजू, बुलाओ उसे। साहब वो तो गांव चला गया। कौन से गांव? साहब ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन बड़ा अजीब आदमी है साहब। उसके पास एक दूध की बोतल है, चाय बनाने के लिए दूध मांगा उससे तो उसने देने से मना कर दिया साहब। अभिजीत ये हो सकता है, ये पदार्थ दूध जैसा ही दिखता है, उसने दूध समझा पी गया। मैं खतरनाक केमिकल लेके घूम रहा, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। और कुछ बताया उसने, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब जाएगा? शायद मामरा बस स्टैंड पे मिल जाए साहब, वो दोपहर 4 बजे बस है उसकी। 4 बजे आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, चलो जल्दी जल्दी, चलो फटाफट फटाफट, चला लौकर, आ जाओ आ जाओ। अरे भाई साहब, अभी यकीन नहीं कर सकता क्या? अरे गलती से धक्का लग गया भाई साहब, जाओ जल्दी तुझे। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो फटाफट। चलो भाई, चले भाई, टिकट टिकट, चला टिकट टिकट टिकट। अरे गाड़ी क्यों रोक दी, देख के चला ना। अगली गोली डॉक्टर निकालेगा, समझा? रुक, तेरी वजह से बस में कैसे तबाही मच जाएगी। बोल महेश कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता सर। देख चुपचाप सब बता दे, नहीं तो तुझे अंदाजा नहीं है कि हम तेरी क्या हालत करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तो जिंदा रखने से कोई फायदा नहीं। सर इसकी क्या जरूरत है सर? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। वो CID सपने में भी नहीं सोच पाए इस केस का असली गुनहगार कौन है। गलतफहमी है तुम्हारी, CID से आज तक न कोई गुनहगार बचा है और न बच पाएगा। बोले तुम जान गए हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाओगे तुम। ए! फ्रेडी, ये केमिकल संभालो, तब तक हम लोग इस चूहे को बिल से निकालते हैं। देख तेरा बच के जाना नामुमकिन है, जितना तू इंतजार कराएगा उतनी खातिरदारी करूंगा तेरी जेल ले जाते वक्त, इससे तेरे लिए अच्छा है कि चुपचाप बाहर आ जा। तुम CID वाले डायलॉग बहुत मारते हो, लेकिन मैं डायलॉग नहीं मारूंगा, मैं गोली मारूंगा। चूहे बिल्ली का खेल, सारा घूंघट तो निकालो। विपुल तुम तूने किए सारे खून है? हाँ मैंने ही मारा है महेश और ताकिया को। क्यों? महेश ने जब मुझे बताया कि उसे किसी आतंकवादी को पकड़ा है और साथ ही कोई ऐसी तिजोरी पकड़ी है जिसमें बायो वॉरफेयर केमिकल था, तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया, दुश्मन देश को अरबों रुपए में वो विनाशकारी केमिकल बेचने का प्लान,
और महेश को भी मैंने अपने साथ मिला लिया। और इस घिनौने प्लान में तूने सीआईडी का भी इस्तेमाल किया। हाँ, मेरे कहने पर महेश ने आप लोगों को आइडिया दिया था ताकि ऐसी तिजोरी खुलवाने का। और उसे तुम लोगों ने पहले ही कह दिया था कि उस जार में रखे केमिकल को पी जाए। हाँ, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था उस जार में रखे केमिकल को पी जाने से उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद प्लान के मुताबिक उसकी लाश पर एम्बुलेंस में ब्लास्ट करवाया और उसकी लाश से फिर से केमिकल निकाल लिया मैंने। और बलवंत, उसे क्यों मारा? ताकि आप लोगों को लगे कि महेश असली गुनहगार है। महेश की लाश कहाँ है? जंग यार्ड में गाड़ दी। पैसों की लालच में इतने खून किए तुमने। तुम्हें पता है तुम्हारे उस केमिकल की वजह से बस में मौजूद लोगों की जाने जा सकती थी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ बेशुमार दौलत कमाना चाहता था। फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। 5 खून और देशद्रोह की सजा में सिर्फ फांसी मिलेगी तुम्हें, फांसी। अरे फ्रेडी, क्या आवाज फिर से? बाप रे बाप, आज तो गाल भी लाल है। मारा? हाँ। नहीं नहीं यार, ये फ्रेडी हद हो गई यार। मैं अभी भाभी जी से बात करता हूँ। अरे नहीं 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 सर। नहीं 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 यार, एक पत्नी भक्त पति की कोई पिटाई करता है, वो भी इतने बड़े सीआईडी ऑफिसर की? अरे सर। नहीं नहीं नहीं, मैं आज बात करके रहूंगा भाभी जी से। अरे हेलो भाभी जी। हेलो। हाँ, मौसम अच्छा है, बारिश गिर रही है, फसल अच्छी होगी। हाँ, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, यही बात बताने के लिए अभिजीत सर ने फोन किया था। ओके बाय। अरे अरे सर, और एक दो दफा आप फोन कर देंगे ना तो मेरा घर में घुसना बंद हो जाएगा। अरे नहीं यार फ्रेडी, मेरा मतलब ये था कि यार, मतलब ये क्या बात होगी, ये मारा क्यों भाभी जी ने यार? सर, वाइफ ने बोला था कि ब्यूरो में देखना कौन तेरा दोस्त है और कौन दुश्मन। जब पहली बार मैंने बोला था ना कि वाइफ ने मारा है, तब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। तो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा थी तुम? ये तो मैंने क्या बोला था? आपने बोला था ना, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, पीछे मारा है। अरे यार, वो तो मैं मजाक कर रहा था। तूने ये भाभी जी को दिखा दिया? आपने ये भी बोला था कि बड़ी देर करती, पहले क्यों नहीं मारा। अरे और ये पंकज मेरे सामने डांस कर रहा था। नहीं सर, वो दुख का डांस था। सर, दुख का डांस था। अच्छा, दुख का डांस था। वो दुख का डांस था। दिखा मेरे को, दिखा सर। आप देखना, दुख का डांस देखना इसका। दुख का डांस? हाँ यार, दिखाओ पंकज, दुख का डांस दिखाओ, कैसा होता है। सर, नहीं सर, मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है सर, मैं पेट खराब लग रहा है सर। भक्त का दिखाना। तो ये भी भाभी जी ने देखा था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।